इसकी धुलाई करी किसी ने? नहीं करी मैंने, इनको बैठ दो यार, मैंने मेरा दिमाग खराब हो रहा। तो गाइस अभी देखो सुबह की 6 बज रही है और यहाँ देखो ये बिट्टू को, ये दादी को नाटक पसंद है तो देख रहा है। ये उठ गया सुबह सुबह से अभी 6 बजे और यहाँ पे पहले कार्टून देख रहा था लेकिन मम्मी जी को देख के सीरियल लगा दिए। तनु लेट उठती है, बिट्टू और मम्मी बहुत जल्दी उठते हैं। सुबह 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 6 बजे देखो इतना उजाला हो जाता है हमारे इधर, कहीं कहीं तो अंधेरा ही रहता होगा लेकिन हमारे यहाँ देखो सुबह सुबह 6 बजे से कितना उजाला हो गया। इतना आ जाएगी कहाँ, बर्फ मत डलवाओ जो। तो दोपहर में आ गया है गन्ने का जूस, बच्चों के लिए लेते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत ही अच्छा रहता है गन्ने का जूस पीने के लिए। बिट्टू को कितना बड़ा मिल गया होगा, ये देखो आप पी रहे हैं गन्ने का जूस और तन्नू पी गई है बेटा। तन्नू पूरी पी गई, मेरे पास मांग गई। नहीं अपना अपना पियो ना, सबको दिया है ना, ऐसे को नहीं करना। नहीं बेटा ऐसे इतना ही पीना, ज्यादा थोड़ी पीते, हो गया तुम्हारे वो हमको ही दियो। हाँ तन्नू को तो ज्यादा दिया था मैंने और तन्नू जीत गए, सबसे पहले पिया तन्नू जीत गए। तन्नू जीत गया, बात ही खत्म हो गया। जीत गए, वैसे ना आज बहुत तेज धूप है देखो, काफी ज्यादा धूप है, ये ऐसी धूप में गन्ने का जूस ही बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। गाइस देखो मम्मी जा रही है अब टाइम पास करने आस पड़ोस में बैठने। दादी दूध भी ले आ दे, दूध तो है। अरे दूध को क्या करेगी, जल्दी सो ले ले, दिक्कत लग रही है। क्या करे तू, पूरा पीड़ा गया, इसको धूप में लगना पड़ेगा तब चिकना हो जाएगा। क्या स्मार्ट लग रहा है बिट्टू तू, केप में काला नांग, काला नांग भी है, काली केप भी लगा रखी है और काला भट्टा भी हूँ और काली बुशर्ट भी हूँ। मम्मी को देखो यहाँ, कल तरबूज लाके मम्मी ने रखा हुआ था, मतलब दो तरबूज कल लाए थे तो बच गए थे, तो अभी इधर मम्मी ऐसे कट कर रहे फिर वो चम्मच से खाएंगे, मजा आता है ऐसे खाने में, इसके ऊपर नमक वगैरह छीट लो बहुत टेस्टी लगते है ना, पूरे तरबूज निकाले। हमारे इस घर का हाल देखो, बिट्टू तन्नू पूरा कचरा कचरा कर देते ना हमें, पर यहाँ ना गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ये देखो ये जो चादर दिख रहे ना, इनकी वजह से धूप में गर्म हो जाते हैं, उनको तो बहुत परेशानी आती थी क्या हमें। मम्मी वहाँ तरबूज काट रहे और बिट्टू तन्नू क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ पे देखो बिट्टू तो देख रहा है रोबोट वाली, कोई रोबोट वाली मूवी देख रहा है ये, और तन्नू तो सो जाती है दिन में छुट्टी लग गई है। ऐसा नहीं है कि बिट्टू टीवी देखा करता है, टाइम पर पढ़ाई भी करता है, टीवी भी देखता है, खेलता भी, सारे काम करता है। तन्नू थोड़ा कम पढ़ाई करती है, बिट्टू ज्यादा करता है। सुबह सुबह उठ के चाय पी लेता, फिर पढ़ाई करता, पढ़ाई हो जाती। और आज तो देखा ही 6 बजे उठे थे आप, तरबूज काट के आप अंदर ले आए, पूरा कट करके ले आए, आधा रखी दो, आधा रख दो, कमल भी आएगा ना वो भी तो खाएगा, मेरे लिए भी रख दे बेटा थोड़ी देर से खाऊंगा मैं। मम्मी तन्नू के लिए भी रख देना वरना रोएगी है ना, वैसे तो आधा तरबूज बचाया हुआ है। और मुझे नहाना भी है लेकिन उससे पहले मैं खाना खा लेता, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है, कुछ भी नहीं खाया होगा, अब जाकर मुझे भूख लग रही है तो फटाफट खाना खा लेता हूँ। मैंने खाना निकाल लिया है, उड़द की दाल ली है, फ्रिज में अचार भी डाल लिया है, इधर रोटियाँ भी है, दो रोटी ली है मैंने और साथ में सेव भी रख ली थोड़ी सी, अगर लगी तो खा लूँगा। और इधर बिट्टू का तो ये खाना हो ही रहा तरबूज, और अभी मम्मी अब आराम करने लग गए और तन्नू हमारी दादी अम्मा तो अभी आराम कर ही रही है। अरे कहाँ घूम रहे हो तुम लोग, मम्मी को दिन भर परेशान करते तो कैसे आप लोगों ने बचपन से दादी को परेशान करा है। तो गाइस फिलहाल बज गई है शाम के 5:30, मेरा नहाना हो गया, अब मम्मी का खाना बनाना चल रहा है। तो आज क्या मम्मी बनाने वाली है खाने में, चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे क्या बताओगे, ये चिपकली जा रही तोड़ के, गिर मत जाना हो चोरी। तो गाइस दादी है ना हमारे घर चावल बना रही है, चावल बना रही है। हाँ, 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 फिर दाल, फिर दाल, बस रोटी, रोटी तो बहुत खाते, इतनी सारी बनाती है दादी। हाँ, हाँ,
हाँ तो आज देखो हमारे घर थोड़ा खाना बच गया है, रोटियां आज दिन में किसी ने ज्यादा खाया नहीं, मैंने भी उतना ही खाया, कम ही खाया था, भूख लगी थी तब भी कम ही खाया, रोटियां भी बच गई है, तो मिर्ची तो हरी भी कभी भी थी। तो मम्मी अभी दाल बनाएगी और साथ में चावल बनाएंगे, और चावल कम बनाएंगे क्योंकि रोटियां बची हुई है, यही खा लेंगे ना हमें। मौसम तो रोज वैसा का वैसा हो रहा है, बारिश जैसा हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है। क्या रेनबो खुद रहा है? रेनबो बन रहा वहाँ पर। रेनबो कहाँ है? वहाँ पर बन रहा है। इधर कहीं रेनबो रेनबो सब कुछ बोल रहे हैं। ये क्या सारे के सारे बच्चे आप इकट्ठे हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बच्चे। रेनबो रेनबो बोल रहे, वो कुछ कलर का बनता ना, रेनबो ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? रेनबो है। तो बच्चे देख के बड़ा खुश हो गए। रेनबो रेनबो मूवी किस किसने देखी है? रेनबो क्या देखा है? और भी देखो चार पांच बच्चे इधर से घूम रहे, सब उसी को देख रहे। कितने ज्यादा खुश हो गए ये सब के सब। मौसम तो कल से ऐसा हो गया है, आज हवा आते आते रुक गई, लेकिन बादल देखो यहाँ कितने खतरनाक, बादल कितने ज्यादा है। किसका कुत्ता है? किसका कुत्ता है? क्या नाम है इसका? पूरब। पाजी 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 कभी हाजी लिया कर। ये बच्चे तो देखा करेंगे रेनबो। और बकरियां यहाँ भारी थी, घर के अंदर नहीं घुस गई क्योंकि ये गेट भी खुला है, गेट लगाना पड़ेगा वरना मम्मी मारेगी। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये बिट्टू किधर छुप गया है, ये बिट्टू और तन्नु जो बच्चे यहाँ काफी सारे इकट्ठे हो रखे थे उनके साथ खेल रहे थे, बाद में किसी से झगड़ा कर लिया इसने, है ना। इसकी धुलाई करी किसने मारा? धुलाई करी किसी ने? नहीं करी, मैंने उसको डगड़ दिए। मार का क्या गया? क्यों दिया? मार खा क्या गया? बिट्टू को किसी ने मारा? बिट्टू को बिट्टू ने एक बच्चे को मारा, चलो ठीक है ना। चेमड़िया ऐसे लड़ाई नहीं करना बेटा, है ना। लड़ाई नहीं करना, गंदे बच्चे होते ऐसे लड़ाई करने वाले, सबसे प्यार से रहना है, लड़ाई नहीं करना। हाँ तुम दोनों भले लड़ाई करो चलेगा, तुम तो लड़ाई करो। मार खाएगी हो तो मार खाएगी। बस रे बस रे चेंगी ए उधर में जा गेट। इसको तो देख मार खाने आ रहे हो पास में। चल बॉक्सिंग करेंगे अपन दोनों, चल तो मार के लाऊंगा, डर नहीं जाऊंगा। क्या इनको बैठ दो यार, मैंने मेरा दिमाग खराब हो रहा। बेटा जाओ जाओ जाओ, काला भट्टा ये पागल हो गया आज, काला मुझा बंदा। मजे ले रहे बच्चे काले बच्चे। चलो चलो चल अपन कुश्ती करेंगे, चल बिट्टू कुश्ती, चल आ जाओ। देखो किसी ने कितना मारा इसको, इसको देखो कितना मारा इसको, पीछे हो तो बेटा पीछे देखो कितना मारा, पीछे घूम, ये देखो मार खा रहा है, देखो कितना मार खा रहा है। मजे ले रहे, चल तन अंदर आ बेटा, चलो अंदर आ, गेट बंद करो। तो अभी जा रहा है कमल मार्केट, बिट्टू बिट्टू अभी रो रहा था ना, उसको शांत करने के लिए कुल्फी वगैरह लाएगा, आइसक्रीम वगैरह। मम्मी भी खा लेगी।
तो गाइस हमारे घर है इस पे का काना का कुल्फी और कॉर्न और पास्ता लगे और काका की और छोटे काकी की रेस होने वाली है। कहीं नहीं ला रहे क्या लाया? हैं? रोटा खाओ पहले और क्या खाओ। यहाँ देखो अभी ये 20 रुपए के पानी पूरी भी लेके आ गए। मम्मी तो खाना खा रहे, दाल चावल बनाए हुए वो। मम्मी अब भी खाओ ना खाना। नहीं। साथ में बिट्टू तन्नू भी खा रहे। देखो 20 रुपए की पानी पूरी में बिट्टू तन्नू कमल मम्मी टेस्ट के हिसाब से एक अध्यय। क्या खा ले आप लोग? इधर दिखाओ। आइसक्रीम खा रहे। मम्मी के लिए भी कुल्फी लाया। मेरे लिए ये मेरी भी। आज हम थोड़ा ठंडा ठंडा खा पी लेते हैं। और मैच भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर से स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी अभी नहीं हुआ, होने वाला है। ये कमल बोल रहा कि हम खरगोन में कुल्फियों से कभी बीमारी हो रही है कुल्फी खाने से। 40 लोगों को फूड पॉइजन। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजन टाइप ऐसा कुछ बोल रहा है। कोई बीमारी हो गई कुल्फिया खाने से। आप मत कभी खाना है बेटा, अब नहीं खाएंगे ना। नहीं अब नहीं, कभी नहीं खाना। बीमारी हो रही बेटा, अभी नहीं खाएंगे। अब मत खाना है मम्मी। तो गाइस आज के व्लॉग में आपने देखा था बिट्टू कुछ ज्यादा ही शरारत कर रहा था। बिट्टू आपने कल ना बहुत ज्यादा नौटंकी करी। ऐसे मस्ती नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना है ना, ऐसा गुस्सा नहीं करना। समझ में आया? इधर देखो सबको सॉरी बोलो गाइस। अब नहीं करूं मैं। हाँ क्योंकि आप इस ब्लॉग को देखकर बिट्टू के लिए बोलोगे ही कि बिट्टू पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बिट्टू बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। या स्टाफ से कुछ भी बोल सकते हो, बट ऐसा है। मुझे कोई नहीं लाइक करता। तो गाइस फट से लाइक कर दो, अपने लाइक नहीं करा तो फट से लाइक कर दो। और बिट्टू के लिए कुछ बोल दो ताकि ये खुश हो जाए। ये बोल रहा कि मुझे कोई नहीं लाइक करता, इस वजह से मैं कुछ चाहूँ, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो इसको जल्दी से ठीक कर दो आप लोग। चलो खुश होकर बताओ। और आप करेंगे हम इस ब्लॉग का एंड। और आज तो कमल ने हमको सब डरा दिया था एकदम से। आपने देखा ही सब ब्लॉग में, अगर नहीं देखा तो अच्छे से देखना, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप बिट्टू के लिए अगर कुछ कमेंट तो आएंगे बिट्टू के लिए, क्योंकि आपने इस ब्लॉग में देखा ही होगा। तो ऐसा है कि देखो बच्चे मस्ती तो करेंगे, आप हो कि मैं हो कि सब बचपन में मस्ती करते हैं, तो वैसा ये भी है। बड़ा होगा ना तो समझदार हो जाएगा। तो अभी करेंगे इस ब्लॉग का तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके बाद पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।